गाड़ी को किसी ऐसी जगह पे पार्क कर दूं जहां मीडिया वाले को नजर मिला है। क्या कर हम लोग यहाँ अभिजीत के लिए आए, कोई मुजरिम या आतंकवादी के लिए नहीं। चलो मगर सर अभिजीत सर के छिपने की क्या वजह हो सकती है? श्रेया को गिरफ्तार करके उन्हें ब्यूरो लाना चाहिए था ना। अभिजीत कोई भी काम बिना सोचे समझे नहीं करता। श्रेया को ब्यूरो ना ले जाने के पीछे कोई ना कोई ठोस वजह होगी, कोई ऐसी वजह जो हम देख नहीं पा रहे। चल चल यहाँ रुकना नहीं, सीआईडी को पता नहीं चलना चाहिए कि हम उनका पीछा कर रहे हैं। यार यहाँ तो कोई भी नहीं दिख रहा है। एक मिनट, ना यहाँ तो सीआईडी वाले हैं और ना कोई दूसरा रिपोर्टर। एक काम कर, हम लोग उस गली में छुप जाते हैं, गली में लो गली में। सब कुछ प्लान के हिसाब से ही हो रहा है। मैं सीआईडी का पीछा करते हुए यहाँ पहुंच गई हूँ, श्रेया का भी जल्दी पता चल जाएगा। ठीक है, लेकिन इतना याद रखना कि भागते हुए श्रेया के बटन में से कैमरा गिर गया है। मुझे मालूम है वो बटन वाला कैमरा मॉल में गिर गया है, बट डोंट वरी, इस बार कुछ गड़बड़ नहीं होगी। गड़बड़ होनी भी नहीं चाहिए। मैं जानता हूं तुम्हारे पास गन थी है? और तुमसे गोली चल गई, पर तुम घबराओ नहीं। जब तक तुम्हारे अभिजीत अंकल हैं, तुम्हारे साथ है ना, तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मेरे अंकल प्रॉब्लम में फंस गए, उसी तरह आप भी प्रॉब्लम में फंस जाओगे। नहीं नहीं नहीं,
श्रेया बेटा आप बहुत प्यारे बच्चे हो, हैं? आप कभी किसी आदमी को मुसीबत में नहीं डाल सकते। तुम्हारे अभिजीत अंकल को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। मुझे डर है कि मुझे लगता है कि आपको कुछ हो जाएगा। मैं आपको खोना नहीं चाहती। मुझे कुछ नहीं होगा। तुम्हारे अभिजीत अंकल झूठ नहीं बोलते हैं। सब ठीक हो जाएगा। अभी तक तो पूरा माहौल शांत ही है, बट हो सकता है कि किसी तूफान के आने के पहले की शांति हो। अब होगा असली एक्शन शुरू। श्रेया, यहाँ से जाओ। श्रेया, भागो, भागो, भागो यहाँ से, भागो। अभिजीत, अभिजीत रुक जाओ। श्रेया, नहीं, श्रेया, कोई भी पीछे नहीं आएगा। तुम भाग जाओ। अभिजीत, तुम एक सीनियर CID ऑफिसर हो। कानून को हाथ में लेना तुम्हें शोभा नहीं देता। मैंने इस बच्ची से वादा किया है, इसे कोई हाथ नहीं लगा सकता। वादा मैंने भी इसी हिसाब से किया है, और मैं अपने फर्ज के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। और तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं अपने वादों का पक्का हूँ। ठीक है, तुम अपना फर्ज निभाओ, मैं अपना वादा निभाता। चलो अभिजीत। नहीं, चलो निकले यहाँ से। अभिजीत, मजबूर मत करो मुझे, मैं गोली मार दूंगा श्रेया को। एक बच्चे पे गोली चलाओगे? दया, अगर कोई मुजरिम भाग रहा है तो मुझे ऐसा करने से कोई रोक नहीं सकता। मैं गोली मार दूंगा श्रेया को। गोली लगने से पहले तुम्हें तुम्हें मुझे गोली मारनी होगी। दया, चलो गोली। अभिजीत हट जाओ। श्रेया, जाओ यहाँ से बेटा। नहीं श्रेया, श्रेया नहीं, चलो श्रेया भाग यहाँ से। श्रेया, भागो भागो। अभिजीत हट जाओ, भाग जाओ, भाग जाओ जल्दी। श्रेया जाओ, अभिजीत तुम ऐसा नहीं कर सकते। श्रेया रुक जाओ, जाओ जाओ जल्दी। रुक जाओ अभिजीत। श्रेया, यार एक CID वाले ने CID वाले को गोली मार दी। सर, बहुत खून बह रहा है, जब तक एम्बुलेंस आएगी तब तक बहुत देर हो जाएगी। सर, आगे खुली रखना, पूरी जल्दी गाड़ी लेके ना। आगे बंद करना, आगे खुली रखना। जी सर, पूरी जल्दी गाड़ी आओ। सर, आगे आगे खुली रखना।
इतना मिर्च मसाला तो मैंने फिल्मों में भी नहीं देखा। तुम सोच भी नहीं सकते कि यहाँ क्या हुआ है। दया ने अभिजीत पर गोली चला दी है। क्या? हॉस्पिटल लेकर गए हैं उसको। और वो श्रेया, वो श्रेया तो अभिजीत की मदद से फरार हो गई है। अब अगर श्रेया में जरा भी समझ है तो उसे पता होना चाहिए कि उसे आगे क्या करना है। श्रेया बेटा, क्या कर दिया तुमने? दो दोस्तों के बीच लड़ाई करवा दी तुमने। तुम्हें मालूम है कि दया अंकल ने अभिजीत अंकल को गोली मार दी। मैं तो समझता था कि तुम एक अच्छी लड़की हो, लेकिन तुम तो बैड गर्ल निकली। अभिजीत अंकल ने तुम्हें बचाने के लिए गोली खा ली। तो उनकी कुर्बानी वेस्ट नहीं होनी चाहिए ना। तो एक आखिरी काम, अभिजीत अंकल से आपने वादा किया है कि ऐसे बुरे काम नहीं करोगी। अभिजीत अंकल के वादे की फिक्र है तुम्हें, लेकिन अपने इस अंकल की नहीं। क्या करूं, छोड़ दूं या मार दूं? छोड़ दो उसे, मैं करूंगा तुम्हारा काम। श्रेया, मैं ठीक हूं, ठीक हूं। गोली गोली छू के चली गई। मैं ठीक हूं, तुम कैसी हो? ओहो अभिजीत बाबू, ये इमोशनल ड्रामा देखकर मेरी तो आंखें भर आई। क्या देख रहे हो इतने गौर से? अपना सीआईडी का दिमाग यहां मत लगाना, तुम्हें यहां पर कोई सुराग नहीं मिलेगा जिससे तुम मुझ तक पहुंच सको। काम बता रहा है या नहीं? काम काम है, एक आदमी का खून करना है। इसका? अरे संभल के। अरे यार धक्का क्यों मार रहा है यार? अरे इधर हूँ मैं, चलो चलना, चलो आराम से। अरे इधर तो बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं है। अरे ट्रैफिक नहीं है, चलो मैं फोन करता हूँ। क्या हुआ साहब? ये खुद को ट्रैफिक पुलिस वाले समझते हैं, लोगों को हाथ दिखाकर गलत दिशा में भेज रहा था और खुद एक कार के नीचे आते आते बच गया। ये छोटे का कार से टकराने से लगे? नहीं साहब, ये तो बहुत पहले से ही है, शायद किसी कार या बाइक से टकराने से लग गया होगा। ब्यौरा कहीं का? मैं पीता नहीं हूँ। अच्छा, ये क्या है, झोल क्यों रहा है साहब? ये तो
पिता ही है सर। मैं पिता नहीं हूँ सर। तो मैं तो खाना खाने के बाद पानी भी नहीं पीता। कोई मेरे से बोले कि पी ले तो मैं गुस्सा हो जाता हूँ। यार मेरे को पीने को बोला, लेकिन कोई रिक्वेस्ट करे साहब, रिक्वेस्ट करे तो मैं तो फिर संभाल के उठा उसको, संभाल के उठा उठा उठा। Twinkle twinkle little star, how I आराम से उठा। अरे यार, अरे यार सीधे खड़े रहो ना, झूल क्यों रहे यार? साहब आपकी वर्दी में ये जो सितारा है ना सर, छोटा छोटा, अरे चांद तो मैं छू नहीं सकता, साहब इसको एक बार टच कर लूं सर? इसको ले जाओ, बंद कर दो, सवेरे नशा उतरेगा तो फ्लोर में। चलो चलो इधर सर, प्लीज चलो। अरे आराम से इधर जाओ यार, कैसे हैं? आपके भी स्टार नहीं? अरे चलो ताला खुल जाएगा। अरे लेकिन स्टार कहाँ देखने को मिलेगा? अरे मिलेगा मिलेगा, चल खुल जाए इसको, संभल के। अरे चाबी हो गई क्या? अरे ये कमरा क्यों हिल रहा है भाई? सितारा कहाँ मिलेगा? सर, क्या आप इन सभी हादसों का जिम्मा अपने सर लेंगे? अगर नहीं
तो फिर वक्त आ गया है सीआईडी में नए स्टाफ का, एक नए एसीपी और एक नया स्टाफ। सीआईडी की वो पुरानी चमक को वापस ला सकता है जो कभी प्रद्युमन, अभिजीत और दया के समय में हुआ करती थी। मैं अवंतिका, कैमरामैन विजय। इन मीडिया वालों को तो सिर्फ बहाना चाहिए सीआईडी के ऊपर कीचड़ उछालने का। इन्हें क्या पता है सीआईडी की ड्यूटी निभाने के लिए क्या क्या बलिदान देना पड़ता है। सर, उन मासूम लोगों के बलिदानों का क्या जिन्होंने अपनी जिंदगी सिर्फ इसलिए गवा दी क्योंकि सीआईडी अपना काम पूरी तरह करने से नहीं। बात चलिए सर, प्लीज चलिए चलिए सर, आपको इसका जवाब देना होगा। जवाब देंगे, जवाब देंगे। किसके पीछे किसकी साजिश थी? बात चलिए, बात चलिए प्लीज। आप आदमी तो किसी ने इसकी जिम्मेदारी ली है। बोलिए। हां ठीक है ठीक है ठीक है, बाहर चलिए, बाहर चलिए प्लीज। कुछ तो बोलिए सर, प्लीज बाहर चलिए, बाहर चलिए। देखिए आपको जवाब देना पड़ेगा सर। अभी तक इसकी किसी ने जिम्मेदारी ली इन धमाकों की? खूनी अभी तक पकड़ा क्यों नहीं गया है? देखिए, हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, हमें हमारा काम करने दीजिए। केस खत्म होने के बाद हम खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखेंगे आप लोगों के लिए। फिलहाल आप चलिए, चलो चलिए चलिए, वीडियो बाद में निकाल लेना। चलो प्लीज चलिए प्लीज सर, अभी तो किसी ने बोला है सर, सीआईडी का पहला कदम क्या होगा? हाँ मैं बताऊंगा आपको, वक्त आने पे सब कुछ बताऊंगा। चलिए हाँ चलिए चलिए चलिए। ओ पगड़ी वाले बाबा, अंदर कहाँ जा रहे हो? टोक दिया। अरे तुझे किसी ने सिखाया नहीं कि पीछे से आवाज नहीं देते? अरे पीछे खड़ा हूँ तो पीछे से ही पूछूंगा ना। ठीक है, आगे आगे पूछता हूँ। आगे आ जाओ। अरे किधर जा, अरे इधर उधर नाच क्यों रहा है यार? अपनी लकड़ी संभालो, बोलो तुम। मैं फ्रीडम फाइटर हूँ। फ्रीडम फाइटर? हाँ, अंग्रेजों के जमाने की इतनी लाठियां खाई है, तब जाके देश आजाद हुआ है। अंग्रेज चले गए, यहाँ क्या लेने आए हो? लेने नहीं, देने आया हूँ। देने? अपने आप को, एसीपी साहब को। क्यों? क्योंकि मैंने एक खून कर दिया है। खून? हाँ। किसका खून? जेल के अंदर। चलो सर, मुजरिम को पकड़ के लाया हूँ, इसने जेल में खून किया है। अरे तू मुझे क्या पकड़ के लाएगा, मैं खुद आ गया हूँ। पहले अपनी आंखों का इलाज कर लो। ये अभिजीत है। अभिजीत सर, ये लो, ये भी रख लो सर। बहुत बढ़िया अभिजीत, बहुत बढ़िया। चलो, हमने जो दाना डाला था मीडिया वालों के लिए वो तो चुग गए, अब लगता है हमारा प्लान कामयाब होने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। उन बेचारों को क्या पता सर कि हमें सब पहले से ही पता था, श्रेया ये सब अपने अंकल को बचाने के लिए कर रही थी। जैसे ही श्रेया के अंकल किडनैप हुए उसका फोन आया मेरे पास। श्रेया, श्रेया बैठो। क्यों घबराई हुई क्यों हो तुम? है क्या बात है? अंकल को किडनैप कर लिया है? लोग चाहते हैं कि तुम कुछ गलत काम करो। नहीं नहीं घबराओ मत। है ये लॉकेट में यहाँ पे कैमरा है, कैमरा इस लॉकेट के अंदर, इसको तुम पहन लो। तुम कहीं भी किसी भी जगह जाओगी मैं तुमको देखता रहूंगा। और हमने किडनैपर को यकीन दिलाया कि सब कुछ वो जैसा चाहता है वैसे हो रहा है। किडनैपर तक पहुंचने के लिए हमें कुछ वक्त तो चाहिए सर। और वो बॉम्ब ब्लास्ट भी ऐसा था कि सबको लगे कि वो असली ब्लास्ट था। सब लोग
अंदर अंदर कमरे में भैया चलिए भाई आजा सब आजा चल इधर लेट जा इधर आइए यहाँ पे लेट जाओ यहाँ पे आइए आप अब इधर जल्दी जल्दी और सर मॉल में उस आदमी को गोली लगी वो भी क्या आइडिया था जेल में भी जो गोली चली वो भी नकली ना किसी की जान गई ना कोई घायल हुआ हाँ और ये सारा ड्रामा उस किडनैपर के लिए जो हमें देख रहा है मीडिया के जरिए पर सर एक बात गलत हुई अभिजीत सर को वाकई में गोली लग गई अरे वो कुछ नहीं है गोली तो बस छू के चली गई यार हाँ और इसमें तुम हमेशा मुझे ही फंसाते हो आइंदा कभी मत बोलना मुझे तुम पे गोली चलाने के लिए ठीक है अरे यार दया मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ दया की गोली से अभिजीत को कभी कुछ नहीं हो सकता अब तो ये किडनैपर श्रेया के अंकल को छोड़ देगा क्योंकि उसकी सारी मांगे हमने पूरी कर ली है अब आ जाएगा ये चूहा हमारे हाथ में अब आ जाएगा चित्रोले आता हूं कितने संयोग की बात है ना सर आप दोनों की दोस्ती के साथ साथ एक और चीज कॉमन है हाँ वो क्या एक श्रेया आपके लिए खास है और एक श्रेया दया सर के लिए खास है सही कह रहे हो छोरो सही कह रहे हो CID अब रोना नहीं बुरा वक्त गया अब खुशियां ही खुशियां आएंगी हुँ?
छोटी सी चोट है, चली जाएगी। तुम दूसरी दूसरी श्रेया से मिलना चाहोगे? वो देखो। हाय, मेरा नाम भी श्रेया है, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? चले। सर थैंक यू श्रेया का ध्यान रखने के लिए। इसमें थैंक यू की क्या बात है, जितनी चिंता आपको है श्रेया के बारे में उतनी चिंता हमें भी है। अच्छा पति की बात बताओ, जिस आदमी ने तुम्हें कैद करके रखा था उसे तो तुमने देखा ही होगा। जी। तो क्या उसका स्केच बनवा सकोगे हमारे लिए? हाँ बिल्कुल, लेकिन सर 100% एक्यूरेसी हो पाएगी कि नहीं ये कुछ कह नहीं सकता। बिल्कुल 100% एक्यूरेट तो हो ही नहीं सकता, फिर भी जितना हो सके स्केच बनवा दो। जी। और उसकी आंखें कैसी थी, छोटी थी बड़ी थी? आंखें बड़ी थी सर। आंखें बड़ी थी। अच्छा उसके होठों के बारे में कुछ बता सकते, कैसे थे होठ? होठ मोटे मोटे थे। और नाक कैसी थी? नाक छोटी नाक सर। मूंछ थी उसे? हाँ सर मूंछें थी। दाढ़ी? नहीं। स्टबल जैसे? नहीं सर। अच्छा उसका जॉ लाइन के साथ जबड़ा? जबड़ा सर जबड़ा थोड़ा सा शार्प था। माथा कैसा था? माथा चौड़ा था सर। अच्छा उसके कान कैसे थे? कैसे कान थे? बड़े थे चिपके हुए थे या यू नो किस तरह के कान थे? सर कान सर कान थोड़े से चिपके हुए थे। ऐसे? जी ऐसे। उसके बाल? बाल कैसे थे? मेरा मतलब है क्या घुंघराले बाल थे या सीधे थे या? बाल थोड़े से घुंघराले थे। हो गया है सर। हाँ स्केच रेडी है। ऐसा दिखता है वो आदमी? हाँ सर बिल्कुल ऐसा ही दिखता है। स्केच शहर के जितने भी पुलिस स्टेशन है सबको भेज दो। अब देखते हैं ये नटवर लाल हमसे बचता कैसे है। घबराने की कोई बात नहीं है साहब, ठीक है तुम जाके सो जाओ, मैं भी बहुत थक गया हूं। गुड नाइट।
इतनी रात को किसका फोन है? ये तो वही आदमी का फोन है जिसका स्केच मैंने बनवाया था। हेलो हेलो क्यों किया तूने ऐसा? मैंने क्या किया? सीआईडी वालों को मेरा स्केच क्यों बनवा कर दिया और अब होशियारी छोड़ रहा है? इसकी कीमत तुझे चुकानी पड़ेगी, कल मिल किले पर, समझा? सुनिए, हेलो हेलो देर कर दी मेहरबा आते आते, रह गई मेरी जान जाते जाते। अब तुमने मुझे यहाँ पे शेरो शायरी सुनने के लिए तो बुलाया नहीं होगा, सीधा पॉइंट पे आओ। तुमने सीआईडी वालों को मेरा स्केच क्यों बनवाया जबकि जिस वक्त ये सब जुर्म हुए उस वक्त मैं इस शहर में था ही नहीं? वो तो सीआईडी वालों ने मुझे फोन करके बुलाया तो। सीआईडी? हाँ सीआईडी। तो हमें पता चला कि श्रेया के अंकल जी तो खिलाड़ियों के खिलाड़ी निकले, उन्होंने एक कांस्टेबल को बलि का बकरा बना दिया। कांस्टेबल? अरे मैं तो अपना इंट्रोडक्शन देना भूल ही गया। मैं कांस्टेबल संजय। अंकल जी अब ये बताइए कि इनका स्केच बनवाने के पीछे हमें गुमराह करने के अलावा तुम्हारा और क्या मकसद था? वो तो मैं मगर सर इन्होंने इस बेचारे संजय का स्केच क्यों बनवाया? क्योंकि संजय को मैं अक्सर इनके घर भेजा करता था, श्रेया के लिए किताबें लेकर, कभी तोहफा लेके। तो संजय का चेहरा इनके दिमाग में छप गया और हड़बड़ी में इन्होंने संजय का स्केच बनवा दिया। क्यों? लेकिन मैं ऐसा क्यों करूंगा? क्योंकि तुम्हें किसी ने किडनैप नहीं किया था, तुमने खुद को किडनैप किया था, खुद को। ये सारा ड्रामा रचा था तुमने और तुम्हारी एक छोटी सी गलती से तुम्हारे ड्रामे पे पर्दा पड़ गया। ओह मुझसे वाकई भूल हो गई जो मैंने सीआईडी वालों को हल्के में ले लिया। लेकिन शायद आप एक बात भूल रहे हैं कि किसी का गलत स्केच बनाना कोई गुनाह नहीं है, बल्कि किसी की जान लेना गुनाह है। और श्रेया ने बहुत लोगों की जान ली है तो गिरफ्तार भी हुई होगी। ना तो श्रेया गिरफ्तार होगी और ना उसे सजा मिलेगी। मतलब? अंकल को किडनैप कर लिया है। ये कैमरा है, गले में पहन लो। सब लोग अंदर अंदर, सब लोग अंदर। चलिए भाई आजा, सब आजा, इधर लेट जा भाई, आप इधर आइए, इधर आइए। अंकल जी तो फंस गए, अब क्या करें इनका? करना क्या है, यूरो ले चलो और खातिरदारी करो इनकी। खबरदार खबरदार, आगे मत आना, आगे मत बढ़ना,
ए, आगे मत आना। खुद गन दिखा रहा है और खुद ही पीछे जा रहा है, है? आगे मत बढ़ना, खबरदार गोली चला दूंगा। तुम्हारे पास एक गन है, हमारे पास चार। तुम एक को मारोगे फिर तुम्हारा क्या होगा, है? ऊपर जाना है कि जेल जाना है? रुक जाओ, नहीं तो मैं इसको यहाँ से नीचे फेंक दूंगी। ए, नहीं। जब प्रतीक ने मुझे बताया कि उसको यहाँ बुलाया गया है, मैं तभी समझ गई थी कि ये जरूर ये सीआईडी वालों की चाल है। चलो चलो छोड़ो इसे, नहीं तो मैं इसे सच में नीचे फेंक दूंगी। नहीं, नहीं। वेरी गुड वंदना, वेरी गुड। मैंने कहा ना छोड़ो, नहीं तो फेंक दूंगी। नहीं, नहीं। ए? देखो, हमने उसे छोड़ दिया है, अब तुम श्रेया को छोड़ दो। छोड़ दो? हाँ प्लीज, जाने दो उसे, छोड़ दो। छोड़ दो पक्का? हाँ प्लीज। हाँ? तो लो छोड़ दिया। नहीं! ठीक हो? हाँ ठीक हो बेटा। भाग के जाते कहाँ? चेहरे का मेकअप नहीं कराना? मैंने जो कुछ भी किया वो अपने कंधों पे से उधारी का बोझ उतारने के लिए किया था। और उधारी चुकाने के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं थे, तो तुमने सोचा क्यों ना एक तीर से दो शिकार किए जाएं। श्रेया का इस्तेमाल करके उन लोगों को मार भी दोगे, और जब श्रेया जेल चली जाएगी तो उसकी सारी दौलत तुम्हारी। क्यों? और इस पूरी साजिश में वंदना ने भी खूब साथ दिया इनका। जर्नलिस्ट की आड़ में हमारी हर हरकत पर नजर रखती थी और हमारी सारी जानकारी तुम तक पहुंचती थी। तुम जैसे आदमी पे भरोसा करके मैंने श्रेया को तुमको सौंपा था, पर तुमने ये सिला दिया। ले जाओ इन्हें, चलो। सब अब श्रेया का क्या होगा? श्रेया को मैं गोद ले लूंगा, मेरे साथ रहेगी मेरे घर में। माफ करना सर, लेकिन अब जिस तरह की हमारी ड्यूटी है, हम किसी की देखभाल कहाँ कर पाते हैं, और श्रेया को तो बहुत देखभाल की जरूरत पड़ेगी। तो फिर क्या करें सचिन? तुम तो देख रहे हो मैं श्रेया को अकेले नहीं छोड़ सकता। सर आप उसे ऑफिशियली गोद लेके हॉस्टल में क्यों नहीं भेज देते? वहां उसकी देखभाल भी हो जाएगी। Yeah, that's a good idea. Thank you. ये बात मैं श्रेया को बताता हूँ। तुम मेरी फैमिली का हिस्सा बनोगी, मेरी बेटी बनकर? लव यू, आई लव यू टू। मैं तुम्हें दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता हूं।
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.